गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम विश्वी फ्रॉम प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल। सो स्टूडेंट, एज यू नो, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ दिस चैप्टर इन अवर प्रीवियस क्लास। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 146। सो स्टूडेंट, टेक आउट योर एसएसटी बुक एंड ओपन पेज नंबर 146 एंड अवर पैराग्राफ इज की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म of government, separation of power, fundamental rights and secularism. These key features of Indian constitution kept in mind the diversity, unity, social economic reforms and representation. So student, जो Indian constitution की key features कौन कौन से हैं? Federalism, parliamentary form, government of सेपरेशन ऑफ पावर। सो स्टूडेंट, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है एंड सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें वो रूल्स रेगुलेशन बताता है जिससे किसी भी कंट्री को रन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज फेडरलिज्म। द वर्ड फेडरल मीन्स द एक्सटेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इन इंडिया वी हैव द यूनियन गवर्नमेंट एट द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन द स्टेट। पंचायती राज इज द थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल दीज एक्सरसाइज देयर पावर्स एंड फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो स्टूडेंट, इंडिया में क्या है? केंद्र में, सेंट्रल में केंद्र की सरकार है एंड सभी राज्य में किसकी सरकार होती है? राज्यों की। ओके, राज्य सरकार होती है। एंड स्टूडेंट, पंचायती राज लेवल कहाँ होता है? गांव में। इसे थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ओके, और इनके अपने अपने पावर होते हैं जिनसे ये किसी भी स्टेट या केंद्र में या किसी भी पंचायती राज को चलाने में इजी होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर representatives and those representatives do the governance on behalf of the people. In India there are two sets of elected representatives. One is at the state level and another is the national level. So student, जो parliamentary form of government उसमें क्या आता है? जो हमारे representatives है उसको क्या कहते हैं? हम खुद चुनते हैं और वो हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट चलाते हैं। सो स्टूडेंट, आप वोट करते हो, आप अपने एरिया में किसी को भी जब भी चुनाव होते हैं तो आप देखते हो कि बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं कि हमें वोट दो, उनके चुनाव चिन्ह होते हैं तो हम जिनको वोट देते हैं वो जीत जाते हैं। ओके स्टूडेंट, हमारे बिहाफ पे वो क्या करते हैं? सरकार चलाते हैं। ओके सो स्टूडेंट, there are two sets of elected representative. कौन कौन से होते हैं दो? Yes, state level and another is national level. State मतलब राज्य, national मतलब राष्ट्रीय level पे. Okay? At the national level we have two houses, लोकसभा and राज्यसभा. So student, जो राष्ट्रीय स्तर पे कौन सी दो houses हैं? Yes, लोकसभा and राज्यसभा. The लोकसभा is called the lower house and the राज्यसभा is called the upper house. So student, lower हाउस में कौन आता है? लोकसभा। एंड अपर हाउस में राज्यसभा। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड बाय पीपल थ्रू डायरेक्ट वोटिंग। सो स्टूडेंट, जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वो कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं? वोटिंग से। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट वोटिंग। और जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो विदाउट वोटिंग के क्या होते हैं स्टूडेंट? सिलेक्ट किए जाते हैं। ओके, सिमिलरली इन स्टेट वी हैव विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मेंबर्स ऑफ द विधानसभा आर इलेक्टेड बाई पीपल। सम स्टेट्स हैव विधान परिषद ऑल्सो विच इज सिमिलर टू राज्यसभा। सो स्टूडेंट, जो विधानसभा होता है हमारा उसके मेंबर कैसे चुने जाते हैं? वोटिंग से। एंड कुछ स्टेट में विधान परिषद होता है जो राज्यसभा के बराबर होता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड इन द स्टेट इंटू थ्री ऑर्गन्स। सो स्टूडेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने पार्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? तीन में। ओके, ऑर्गन में, तीन ऑर्गन में। द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी।
The legislature of India is called Parliament, which consists of President and two houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. So student, जो legislature में कौन आते हैं? Yes, हमारे President and Rajya Sabha and Lok Sabha. So student, अभी हमारा current President कौन है? Yes, Ram Nath Kovind. यहाँ पे picture भी है ना उनकी. And इसमें और क्या क्या आता है? Rajya Sabha and Lok Sabha. The executive is that organ of the government which implements the laws made by legislature and run the government. Judiciary is the organ of government which settles disputes related to constitutional matters. So student, Vidhan Mandal, Karyapalika and जो न्यायपालिका होती है वो किस में divided है? ये तीन constitution ने स्टेट को तीन पार्ट में डिवाइड किया, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका. ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट जो विधानमंडल है, जो हमारा लेजिस्लेचर है, उसमें कौन कौन आते हैं? यस, हमारे राज्यसभा एंड लोकसभा. ओके, इनका क्या काम होता है? जो लॉज है और उनको अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या उनका मिसयूज तो नहीं हो रहा है. तो कॉन्स्टिट्यूशन मेड द थ्री ऑर्गन्स विद डिफरेंट पावर्स सो दैट दे कैन कीप check on each other and can prevent the misuse of power by any branch of the state. So student, जो constitution है उनको जो three organs है, कौन कौन से? Legislature, executive and judiciary. So student, जो हमारे three अंग हैं वो क्या करते हैं? वो care करते हैं कि कोई भी अपनी powers का क्या ना करे, misuse ना करे. Next is fundamental rights and fundamental duties. Our constitution grants seven fundamental rights to the citizens of India. These includes the right of equality, the right of freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to education and right to constitutional remedies. All these rights are enforceable in the courts of law and are protected by the judiciary. So student, fundamental rights हमारे मतलब मौलिक अधिकार. सो स्टूडेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. दैट मीन्स एक सिटीजन का वो हक होता है और वो उनसे कोई नहीं छीन सकता. ओके, फ्री, अब वो कौन कौन से है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एंड द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. सो स्टूडेंट, ये क्या है? ये हमारे जो राइट्स हैं, एक इंडियन सिटीजन की जो राइट है, इससे क्या होता है? हम अपने हक के साथ रह सकते हैं, कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता, कोई हमारे अधिकार नहीं छीन सकता, इसलिए इन्हें फंडामेंटल राइट्स बोला गया. दैट मीन मौलिक अधिकार. अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ प्रोवाइड्स फॉर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन. सम ऑफ दीज हैव बीन गिवन बिलो. सो स्टूडेंट, हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई जो गवर्नमेंट ने तक हमें हमारे हक दिए, बट हमारा भी काम बनता है ना कि हम अपनी स्टेट या गवर्नमेंट के लिए कुछ करें. फर्स्ट वन इज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. सो स्टूडेंट, हमें किसका? नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग का हमें क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है. सो स्टूडेंट, हम जब भी नेशनल एंथम प्ले होता है या आप कहीं भी सुनते हो, तो हमें क्या हो जाना चाहिए? खड़े हो जाना चाहिए उसके रिस्पेक्ट में. नेशनल फ्लैग को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो ये क्या है? हमारी ड्यूटी है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. Noble ideals which inspired our national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. So student, क्या है? हमारे जितने freedom fighters हैं, हमें cherish करना चाहिए, वो हमारे ideals हैं, उनसे हमें inspire होना चाहिए. Okay student, और unity पे हमें focus करना चाहिए. Next is secularism. India is a land where people belong to different faiths and religions. In India, politics and religion are separate. People enjoy freedom to follow, practice and profess their own religion. So student, India क्या है? जहाँ पे बहुत धर्म, भाषा, वेशभूषा के लोग रहते हैं, और India में politics and
जो रिलीजन है, धर्म है, वो अलग अलग है। इंडिया में ऐसा नहीं कि हाँ अगर कोई मॉर्मन है या कोई हिंदू है तो इसके बेस पे पॉलिटिक्स की जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वेलफेयर स्टेट, अ वेलफेयर स्टेट इज अ स्टेट विच परफॉर्म्स फंक्शंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल लाइक एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, पार्क्स एंड लाइब्रेरीज। एज अ वेलफेयर स्टेट इंडिया इज कमिटेड टू द वेलफेयर डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, पर्टिकुलरली द vulnerable sections SCs and STs। So, student, welfare state क्या होता है? जिसके अंदर किसी भी state की अच्छाई, that means कि किसी भी state का विकास, वहाँ park होनी चाहिए, electricity होनी चाहिए, public health, खेती, education पे focus हो और उसका विकास हो। A detailed written constitution। The Constitution of India is the most detailed document. It is one of the best in the world, and it is a living document. Something has real meaning in everybody's life. Besides, the government structure at the central state, and local levels, the Constitution elaborates about citizenship, election, emergency provision. जो Constitution क्या है, एक किताब है जो बहुत डिटेल में है और ये वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, ओके? और ये ऐसी बनाई गई जो हर किसी के लाइफ से, गवर्नमेंट से, स्टेट से या वहाँ के सिटीजन से जुड़ी हुई है और उनके हक की और हक की मौलिक अधिकारों की क्या करती, सुरक्षा करती है और किसी भी स्टेट को चलाने में बहुत हेल्पफुल होती, ओके? केस स्टडी, फंडामेंटल राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज राइट ऑफ इक्वालिटी। इट ग्रांट इक्वालिटी टू एवरी पर्सन बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स द स्टेट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। द Constitution provides equality of opportunity to all the citizens in matters of public employment. It also declares the untouchability it abolished and its practice is forbidden. The Constitution prohibits the state from conferring any titles except those of military and academic डिस्टिंक्शन। सो स्टूडेंट, राइट्स ऑफ इक्वालिटी क्या है? जहाँ पे रंग, जाति, धर्म के बिना, भेदभाव के बिना सबको एक समान अधिकार देना। ऐसा नहीं कि कोई अलग कास्ट का है या उसके पास पैसे नहीं है या वो काला है या गोरा है या कुछ भी है तो उसको दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाए। यहाँ पे क्या है, सबको इक्वल राइट्स दिए गए। राइट टू फ्रीडम, दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू ट्रेवल टू एनी पार्ट टू कंट्री, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल सिटीजन फ्रॉम द एज 6 to 14 ईयर्स। सो स्टूडेंट, राइट टू फ्रीडम क्या है कि आप कहीं भी जा सकते हो, आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, ओके स्टूडेंट? नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। सो स्टूडेंट, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स क्या है कि आपका जो कल्चर, अगर आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, अपने कल्चर में जो आप करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं, हाँ, बट वो किसी के लिए नुकसानदायक ना हो। एजुकेशनल राइट कि मतलब आप पढ़ सकते हो, आपको जहाँ पढ़ना है, और फ्री एजुकेशन है, ओके स्टूडेंट, 6 to 14 तक के लिए कंपल्सरी एजुकेशन। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। सो स्टूडेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जैसे कि आपको किसी रूल से या किसी इससे लगता है कि आपका शोषण किया जा रहा है तो आपके पास है कि आप कोर्ट में जाके इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं और चेंजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रॉम ऑफ कंसाइंस फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स विदाउट पेइंग एनी टैक्स ऑफ रिलीजन। सिटीजन्स इंजॉय द फ्रीडम टू प्रेच, प्रैक्टिस
practice and propagate their religion. So student right to freedom of religion, क्या है कि आप जिस भी religion के हैं, आप किसी भी हैं, तो आप उस religion को मान सकते हैं या आप दूसरे religion में change होना सकते हैं, तो आप कर सकते हैं. Okay? Right against exploitation. The constitution prohibits human trafficking, child labor and the forced labor. So student right against exploitation का शोषण के खिलाफ, जैसे कि आपको चाइल्ड लेबर होता है, छोटे बच्चों से जबरदस्ती काम कराया जाता है, या फिर लड़कियों को उनको ट्रैफिकिंग में धकेल दिया जाता है, या किसी को कैद करके उससे काम कराया जाता है, तो ये क्या है, ये सब क्या है स्टूडेंट, इसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं एंड अपने हक के लिए लड़ सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.